हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए साइंस के 25+ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें हम ICAR टेक्नीशियन एग्जाम का मॉक टेस्ट 3 पढ़ेंगे। मॉक टेस्ट 2 हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और ये SSC डोज भी है, SSC के लिए भी हेल्पफुल वीडियो है SSC एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन क्या होगा इसमें, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनेगा? 1.5 लीटर यूरिन बनता है शरीर में, कितने लीटर यूरिन बनता है? 1.5 लीटर यूरिन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोविडी ओविसी किसका वैज्ञानिक नाम है? बोविडी ओविस किसका वैज्ञानिक नाम है? बोविडी ओविस है वो है किसका वैज्ञानिक नाम है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम होगा? भेड़ का वैज्ञानिक नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? जो मादा पशु होते हैं उसमें बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन ज़्यादा सक्रिय होता है? कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडस मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, जो कौन सा वायरस है? जो एडस है, एडस किससे फैलता है? एडस HIV वायरस से फैलता है। एडस किससे फैलता है? HIV वायरस से फैलता है और यह एक प्रकार का विषाणु है। और इस वायरस को क्या नाम दिया गया है? रिट्रो वायरस। क्या नाम दिया गया है इसको? रिट्रो वायरस इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? गाय का गर्भकाल जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है गाय का, वो कितने दिनों का होता है? वो आपको पता है 278 दिन का होता है। जनरली 9 मंथ्स होते हैं, तो 9 मंथ्स हो गए 270 डेज, तो इसका क्या हो जाएगा? 270 दिन हो गए। 270 से 8 दिन एक्स्ट्रा हो गए, तो गाय का गर्भकाल हो गया 278 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस का गर्भकाल कितना होता है? भैंस का गर्भकाल है वो लगभग 308 दिन का होता है। तो गाय और भैंस का गर्भकाल में से सबसे ज़्यादा गर्भकाल किसका होता है? सबसे ज़्यादा गर्भकाल होता है वो किसका होता है? भैंस का होता है। 308 दिन किसका? 308 दिन भैंस का गर्भकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ का गर्भकाल कितना होता है? भेड़ का गर्भकाल होता है 150 दिन। भेड़ का गर्भकाल कितना होता है? 150 दिन भेड़ का गर्भकाल होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण क्या है? पशु होते हैं उसमें जो अफरा रोग होता है, अफरा आ जाता है पशुओं के अंदर, तो वो रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है भी ये प्रदूषित आहार। इसका कारण क्या होगा? प्रदूषित आहार। जब हम पशुओं को प्रदूषित आहार खिलाते हैं, मतलब प्रदूषित भोजन खिलाते हैं, तो पशुओं के अंदर एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है अफरा रोग। कौन सा रोग हो गया? अफरा रोग। और वो किसकी वजह से होता है? प्रदूषित आहार की वजह से। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसके कमी के कारण फैलती है? पशुओं में एक बीमारी फैलती है, दूध के अंदर एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम क्या है? मिल्क फीवर। कौन सी बीमारी? मिल्क फीवर, जो दूध के अंदर एक बीमारी होती है। और उसका कारण क्या है? कैल्शियम की कमी। कौन सी कमी? किसकी कमी हो जाएगी पशुओं में? कैल्शियम की कमी हो जाएगी। इसीलिए पशुओं को ज़्यादातर देखा होगा आपने, कैल्शियम पिलाते हैं, तो वो कैल्शियम इसलिए पिलाया जाता है ताकि पशुओं के अंदर जो बीमारी है मिल्क फीवर की, वो क्या हो जाए? कम हो जाए। लेकिन ये इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है अभी पशुओं के अंदर कैल्शियम पिलाने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? आपने पढ़ा होगा दूध में थोड़ी सी आपने देखा भी होगा और पिया भी होगा दूध को, तो उसके अंदर क्या है कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? दूध में एक मिठास होती है और वो मिठास आती है लैक्टोज के कारण। किसके कारण आती है? आपने पढ़ा होगा दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स होता है? लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स होता है दूध के अंदर। और सुक्रोज अभी ये दे रखा है पीछे, सुक्रोज किस में होगा? सुक्रोज किस में होगा? आपने भी देखा है सुक्रोज होता है चीनी के अंदर। सुक्रोज किस में होता है? चीनी के अंदर होता है सुक्रोज। और कैरोटीन किसके अंदर होता है? कैरोटीन ये एक प्रकार का प्रोटीन हो गया, मतलब कैरोटीन। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, पत्तियों का पीला रंग भी कैरोटीन के कारण होता है। तो जो किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज के कारण, तो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स के कारण आ जाती है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण देसी घी में एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है? हाँ, आपने देखा होगा कई बार कि देसी घी होता है जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, तो उसमें किसके कारण मतलब वो आती है, मतलब एक सुगंध आती है एक विशेष प्रकार की, वो होता है क्या कारण है? डाई एसिटिल के कारण। डाई एसिटिल के कारण क्या होता है कि उस देसी घी के अंदर सुगंध आती है। लैक्टोज अभी मैंने डिस्कस कर लिया, ये किस में होता है? दूध में होता है लैक्टोज। और केसिन, ये दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? केसिन के कारण होता है। तो ये भी आपने जस्ट पढ़ लिए होंगे। तो दूध की तुलना में खीस का अधिक पीला होने का कारण क्या है? दूध की तुलना में खीस बनाते हैं कई बार, जो ताज़ा दूध होता है उसकी खीस बनाते हैं, तो वो उसका पीला होने का कारण क्या है? मतलब वो पीला क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कैरोटीन की अधिकता। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि गाय के दूध का हल्का पीला रंग
और किसी भी पशु जो जनरली जो पशु होते हैं उसके हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, और जो पत्तियां होती है पत्तियां पत्ती जो पेड़ों की पत्तियां होती है वो पीली पड़ जाती है किसके कारण, कैरोटीन के कारण। ये और गाय के गाजर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग ये भी कई बार क्वेश्चन में आता है, ये कैरोटीन के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है। पशुओं की उम्र का पता है वो सींग पर छल्ले गिनकर लगाया जाता है। पशुओं की जो उम्र होती है उसका पता कैसे चलता है, सींग पर छल्ले गिनते हैं, सींग पर छल्ले गिनते हैं तब पता चलता है कि पशु की एज कितनी है, किस पशु की कितनी एज है ये, और बाकी तो नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के उम्र के निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति क्या है। देखिए भाई अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है, एक तो सिंह के जो छल्ले गिनकर, और दूसरा जो साइंटिस्ट कैसे इस चीज़ को करते हैं तो वो होगा दंत परीक्षण। किसके कारण, दंत परीक्षण मतलब दांत वगैरह को टेस्ट करके पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को किस में सुरक्षित रखा जाता है। कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को किस में सुरक्षित रखा जाता है, जो बैल का जो सीमन होता है, वीर्य, वीर्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं, और वो किस में रखा जाता है, द्रव नाइट्रोजन में। क्यों रखा जाता है, द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है कृत्रिम गर्भधान, जैसे मतलब जो पशुओं को टीका वगैरह लगाते हैं ना गर्भधान के लिए, तो वो बैल का वीर्य होता है और उसको द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, जो पशुओं का डॉक्टर होता है जिसको VLD डॉक्टर कहते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर है। लखनऊ किसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये है मखदूम में। कहाँ पर है, मखदूम में, ये नॉर्मल क्वेश्चन है इसको याद कर लेना। राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान ये करनाल में है, वे हरियाणा में है। राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान कहाँ पर है, करनाल में हरियाणा में। कहाँ पर है, करनाल में हरियाणा में है, इसका राइट आंसर हो गया करनाल। ठीक है, दूध से दही किस प्रक्रिया से बनता है, दूध में जो दही बनता है वो किस प्रक्रिया से बनता है, वो किण्वन प्रक्रिया से बनता है। किस प्रक्रिया से, और किण्वन प्रक्रिया से, और किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की थी, ये भी याद रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पाश्चुरेशन किया जाता है, दूध का पाश्चुरेशन अभी बताया था मैंने, लुई पाश्चर वैज्ञानिक ने पाश्चरीकरण अभिक्रिया की खोज की थी। तो पाश्चुराइजेशन अंग्रेजी का नाम है, हिंदी में इसको बोलते हैं पाश्चुरेशन, सॉरी पाश्चुराइजेशन अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं पाश्चरीकरण विधि, और लुई पाश्चर ने की थी। और इसको कैसे गर्म किया जाता है, 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है दूध को। आपने देखा होगा जो थैलियों वगैरह में दूध आता है वो इस मेथड से ही आता है, मार्केट में जो थैली में दूध आता है वो इस विधि से आता है, ताकि ये 2-3 दिन तक खराब ना हो। और ये खराब क्यों नहीं होता अभी, क्योंकि ये दूध के अंदर जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबेसिल्स बैक्टीरिया, उसको क्या हो जाता है, उसको मतलब अच्छा रखता है, इसलिए वो क्या नहीं होता, दूध दही में नहीं बदलता। दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर, अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, लैक्टोज होता है। क्या होता है, दूध के अंदर लैक्टोज होता है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये बात याद रखना। दूध के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और एक होता है लैक्टिक एसिड, दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, तो लैक्टोमीटर आएगा इसका आंसर, दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन की बात करें अगर हम, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो भेड़ के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, भेड़ के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ये बात, भेड़ के दूध के अंदर, सॉरी भेड़ के दूध के अंदर पाया जाता है, भेड़ के अंदर नहीं पाया जाता, कभी इसका गलत अर्थ निकाल लो आप। तो निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति कारण दूध का रंग सफेद होता है, किसकी उपस्थिति कारण दूध का रंग सफेद होता है, केसिन की उपस्थिति कारण दूध का सफेद रंग होता है, ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। किसकी उपस्थिति कारण दूध का रंग सफेद होता है, तो दूध का सफेद रंग केसिन के कारण होता है। और ये जितने भी क्वेश्चन है साइंस के, वो ICAR टेक्नीशियन एग्जाम के लिए तो है ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लेकिन साथ में SSC और भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमारा चैनल है करेक्ट गुरु, इसको सब्सक्राइब कर लो भी, अगर आपको और वीडियो के लिए आपको अच्छी वीडियो लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर किसी को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, और अच्छी नहीं लग रही तो डिसलाइक करो भी, और कमेंट भी करो साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गाय के दूध में पर्णपीतक कैरोटीन के कारण क्या बनता है। भारतीय गाय के दूध में कैरोटीन के कारण क्या बनता है, क्या बनता है, भारतीय गाय के दूध में कैरोटीन के कारण पीला रंग बनता है। क्या बनता है, पीला रंग बनता है, कैरोटीन के कारण बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, भारतीय गाय के दूध में पर्णपीतक कैरोटीन के कारण क्या बनता है, पीला रंग बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिकल्चर किससे संबंधित है, एपिकल्चर किससे संबंधित है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें भाई, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, तो इसका आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, नीचे दे रखा है आपने देखा होगा, एपिकल्चर किससे संबंधित है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें भाई। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ICAR 25+ साइंस के क्वेश्चन आएंगे ICAR एग्जाम में, तो ये एग्जाम में भी होने वाला है कुछ टाइम में, तो
तो इसका थर्ड मॉक टेस्ट हमने पढ़ लिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, करेक्ट गुरु, प्रेस दी सब्सक्राइब बटन फॉर मोर अपडेट। ये सभी एग्जाम के लिए वीडियो भी, एसएससी एचएसएससी यूपीएससी ऑल एग्जाम के लिए है, साइंस के क्वेश्चन है और भी